सिंड्रेला, मेरे हैट का काम पूरा हुआ या नहीं? अभी तक नहीं कैथरीन। सिंड्रेला जल्दी से मुझे मेरे मोती दो। बस एक मिनट रुको जीन। नहीं अभी दो, वहाँ से यहाँ फेंको। ठीक है जीन। ओह शुक्रिया मीशा, तुमने मेरी मदद जो की। म्याऊ। शुक्रिया मीशा। मैंने तो सिर्फ इतना ही किया, मगर वो तुमसे तो कितना कुछ कराते हैं। सिंड्रेला मेरा हैट कहाँ है? यहीं पर है कैथरीन। ये लो। कैथरीन जीन, मुझे बताओ तुम आज रात की दावत में क्या पहन रही हो? आपको पसंद आएगा। हाँ, हमने इसे खुद डिजाइन किया है। टडा। हाँ तुमने इस तरह की पोशाकें क्यों पहनी हैं? हाँ बदलो इन्हें। तुमने सबसे कहा है ऐसी पोशाकें पहनने के लिए बड़ा मजा आएगा। लेकिन ये तुम पर लागू नहीं होता, तुम्हें सबसे बेहतरीन ड्रेस पहननी होगी ताकि तुम जल्दी नजर आओ, खासकर अगर राजकुमार भी हमारे यहाँ आए। सारे मेहमान अपनी पोशाकों में बेवकूफ लगेंगे, तब तुम राजकुमार को ये साबित कर दोगी कि तुम ताज पहनने के लायक हो। ओ, मैं अब समझी। तो सिंड्रेला तुम इसे पहन लो। क्या मैं जीन की पोशाक पहन लूँ? नहीं, मेहमानों का ध्यान रखने में तकलीफ होगी। ये दावत तुम्हारे लिए नहीं है सिंड्रेला, ये मेरी बेटियों के लिए है। शायद अगली बार। क्या तुमने मेरा बताया हुआ सारा खाना तैयार कर लिया है? जी मैम साहब। ओ नहीं, मेरी पेस्ट्रीज। ओह बहुत बुरा हुआ। तुम्हारे ख्याल से हमें क्या करना चाहिए एलेक्स? शायद हमें तुम्हारे पिताजी से बात करनी चाहिए। आज रात जराल के जाने के बाद हम महाराज को सब बताएंगे। ये बिल्कुल सही है, मुझे उम्मीद है कि हम सही वक्त पर उन गद्दारों को रोक सकेंगे। अरे मेरी पेस्ट्रीज तो जल गई, मुझे अब नई बनानी पड़ेंगी। क्या तुम्हारे पास इतना वक्त होगा? हेलो दोस्तों। पॉलेट, मैं तुम्हारे पार्टी के लिए कुछ लाई हूँ। ओह शुक्रिया, ये बड़े अच्छे लग रहे हैं। उम्मीद है ये अच्छे बने होंगे, ये मैंने बहुत अरसे बाद बनाए हैं। देखो पॉलेट क्या लाई है। बेचारी सिंड्रेला, जब वो उन लड़कियों को तैयार कर रही थी तब पेस्ट्री जल गई। वो उसे बहुत सताती है। चलो कुछ करते हैं। क्या ये तुमने बनाया बेटी? हाँ पर ये खराब हो गए, हमेशा तो नरम और सुनहरे बनते हैं। तो देखो ये वाले भी तो ऐसे ही बने हैं। हाँ ये कैसे हो सकता है, अभी अभी तो सारे जले हुए थे, मैं उन्हें फिर से बनाने वाली थी। दोपहर में मिलते हैं। क्या मैं आपको अपनी पोशाक में पहचानूंगी? शायद उसमें मुझे तुम्हारी मदद लगेगी। न जाने मार्सल को देर क्यों हो रही है, सब ठीक होगा ना? हेलो येन। कहीं तुम वहाँ? हाँ मैं वहाँ राजकुमार चार्ल्स का रूप लेकर जाऊंगा। बहुत अच्छी पोशाक है हुजूर, मैं तुम्हारी कद्र करता हूँ। शुक्रिया। चलो तो फिर दावत पर चलते हैं, हम लोगों को इंतजार नहीं करा सकते। जैसा तुम चाहो। तो फिर चलो। ऐसा मत करो, ऐसा करके तुम फंस जाओगे। अरे सही कहा। राजकुमार के तौर तरीके लाजवाब है मार्सल, अगर तुम शाही तमीज वगैरह सीख लो तो लोग तुम्हें सचमुच राजकुमार समझेंगे। राजकुमार देखो, वो अक्सर इस तरफ नहीं आते। अरे राजकुमार कहाँ है? हाय राजकुमार देखो। हमें चलना चाहिए। तुम ठीक कहते हो। यहाँ पर ये क्या हो रहा है? महाराज इस सब का क्या मतलब है? मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है चार्ल्स। हाँ और मुझे भी। चलो चले।
कुमार, जल्दी यहाँ आओ। इन लोगों से हथियार गिराने को कहो। ये मेरे ही आदमी हैं। गद्दार, तुम इस राज्य को चलाने के लायक नहीं हो। मैं नहीं मानता। मैं आज ही महल पर कब्जा जमाने वाला हूँ और आपको अपनी जिम्मेदारियों से आजाद करने वाला हूँ। तुम कामयाब नहीं होगे। वो तो मैं हो गया हूँ। मैं आपको इतनी सहूलियत दे सकता हूँ कि आप और महारानी यही रह सकते हैं, अगर मेरा हुक्म माना तो। हमने तुम पर यकीन कैसे कर लिया? हमारे बेटे का क्या हुआ? राजकुमार चार्ल्स कहाँ है? कहीं तुमने? आप अपने कमरे में जाकर आराम क्यों नहीं करते? आपको उसकी जरूरत पड़ेगी। जाओ, मुझे यहाँ पूरा राज्य संभालना है। राजकुमार चार्ल्स की क्या खबर है? मेरे आदमी उसका ख्याल रख रहे हैं हुजूर। हम लगभग पकड़े गए थे, अब हमें उनसे नजरें बचाकर रहना होगा। चलो चार्ल्स, इस तरफ एलेक्स, चलो। या चार्ल्स, तुम महल तक पहुंचने की कोशिश करो और मैं उन्हें तुमसे दूर रखने की कोशिश करूंगा। ठीक है, मगर संभल कर, चलता हूँ। अपनी आगे खुली रखना, वो आसपास ही छुपा होगा। मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। ओ, मैं वहां ऐसे नहीं जा सकता। अभी भी कुछ कमी रह गई है। नहीं पॉलेट, आप एक डायन सी लग रही हैं। वैसे भी आप तो असली डायन ही है ना पॉलेट? वो सिर्फ मजाक कर रहा है। वैसे भी राजकुमार चार्ल्स ने सबका ध्यान खींचा है। हाँ, मार्सेल सबको धोखा दे रहा है। सचमुच मुझे बड़ी खुशी है कि आपने मुझे यहाँ बुलाया। ओह, आप नहीं जानते आपके आने से मैं कितनी खुश हूँ। मैं भी, जब तक आप चाहो तब तक मैं आपके साथ डांस करना चाहती हूँ राजकुमार। मैं उनके साथ पहले डांस करूँगी जीन। इन दोनों को असली राजकुमार के सामने ऐसे बहस नहीं करनी चाहिए। तो राजकुमार यहाँ छुपने की कोशिश कर रहा है। हुजूर, क्या ये सच है कि आप इस राज्य के सबसे बढ़िया तलवारबाज हैं? ये सबसे बड़े तलवारबाज ही नहीं बल्कि ये सबसे बड़े अभिनेता भी हैं। तो क्या आप जरा सा नमूना दिखाएंगे? राजकुमार इतनी खूबसूरत लड़की की बात कैसे टाल सकते हैं? तो अब देखिए मेरा कमाल। या! क्या अदा है? या! क्या ताकत है? तुम इसके लिए मुझे बिल्कुल सही लगते हो, इसलिए मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ। तैयार हो या नहीं? ये तो वाकई लाजवाब है। मैं इनसे शादी के लिए बेचैन हूँ। हाँ, ये हुई ना बात। अब इस राज्य के चैंपियन में आपको कोई नहीं हरा सकता। ये तो हद है, ये तो मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। अरे ये तुम क्या कर रहे हो, ये तो सिर्फ एक नाटक है ना। Yeah.
चलिए पहले कुछ खा लेते हैं। अब तमाशा बहुत हो गया, अब बंद करो। यहाँ कोई अजीब सी बात हो रही है। अरे तुमने सुना कि नहीं, अब ये सब बंद करो। पहले मुझे तुमसे निपटने तो दो। अरे मैंने तुमसे कहा ना, ये तो सिर्फ एक नाटक है। तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो कायर। अब राजकुमार की छुट्टी हो जाएगी। राजकुमार चार्ल्स? मगर ये तो राजकुमार नहीं है। मुझे ये ठीक नहीं लग रहा है। मार्सेल! ओ मार्सेल, मार्सेल! कहीं उसके साथ कुछ उल्टा सीधा ना हो। ए, रुक जाओ। बच गए? अरे चार्ल्स, तुम? मुझे एक घोड़ा चाहिए। ये टांगा ले जाओ। हाँ? यानी डेरोल के अलावा सब लौट आए? जी हुजूर, पर वो भी जल्द ही आ जाएगा। फिर भी जब तक राजकुमार हमारे कब्जे में ना आए, मुझे चैन नहीं मिलेगा। फिर हम हमेशा के लिए इस राज्य को हथिया सकते हैं। हमें माफ कर दीजिए महाराज, हम आपकी रक्षा नहीं कर सके। हम इस तरह नहीं मान सकते। हमें अभी अभी अच्छी खबर मिली है, राजकुमार चार्ल्स ठीक है। चार्ल्स, हमें उसे बचाना है। हाँ जानता हूँ। वो महल की तरफ जा रहा है। वो मार्सेल को वहाँ क्यों ले जा रहे हैं? कहीं राजकुमार का ढोंग करने के लिए वो उसे सजा तो नहीं देंगे ना? सच ये है कि वो समझ रहे हैं कि वो मैं हूँ। मैं कुछ समझी नहीं चार्ल्स। तुम ठीक तो ना चार्ल्स? हाँ, क्या हुआ? जराल ने अपनी चाल पर अमल किया है, मगर वो कामयाब नहीं होगा। क्या? ये सब कौन है? ये मेरे सिपाही हैं। ओ, क्या कोई मुझे बताएगा कि ये सब क्या हो रहा है? मेरे पास वक्त नहीं है, मुझे महल तक पहुँचना होगा। जाओ, यहाँ कोई नहीं आ सकता। हमारे लिए रुको। तुम कहाँ जा रहे हो? हम इस तरह महल में नहीं घुस सकते हैं। पीछे आओ, मैं बाद में समझाऊंगा। अभी समझाओ। प्लीज सिंड्रेला। हाँ? प्लीज मुझ पर भरोसा रखो। मेरे पीछे आओ। इस तरह। तुम्हें इस महल के सारे रास्ते कैसे मालूम है चार्ल्स? आत्मसमर्पण करो, तुम हार गए हो। मैं आत्मसमर्पण नहीं करूंगा, हटो रास्ते से। देखिए ड्यूक जराल, जैसा कि मैंने कहा था, मैं राजकुमार चार्ल्स को ले आया। बहुत खूब, अच्छा काम किया। अब हम ड्यूक जराल को इस राज्य का राजा घोषित कर सकते हैं। महाराज, जो कहना है जल्दी कहो, मैं व्यस्त हूँ। इसे इसी वक्त आजाद कर दो। तुम कौन होते हो हुक्म देने वाले? मैं इसे संभाल लूंगा। जरा संभल कर। हाँ।
ये अच्छा लड़ाकू है। देखो जरा ध्यान से। यहाँ देखो बच्चे, अगर तुम और एक इंच भी हिले तो राजकुमार के लिए खतरनाक होगा, समझ गए तुम? नहीं, क्योंकि ये राजकुमार चार्ल्स नहीं है। ये सच है, इसका नाम मार्सेल है और ये सिर्फ राजकुमार बनने का ढोंग कर रहा है, ये सब गलत फहमी है। जरा गौर से देखो, मैं राजकुमार नहीं हूँ, मैं एक अभिनेता हूँ। खामोश, अगर तुम्हें लगता है कि हम तुम पर भरोसा करेंगे तो तुम बड़े ही बेवकूफ हो। अब तुम अपने राजकुमार को नहीं बचा सकोगे, जल्द ही ये महल मेरा हो जाएगा। हटा दो इसे। मैं कह रहा हूँ आपसे गलती हुई है। Duke Sorrell, do you really... लगता है कि एक राजकुमार उस बेचारे लड़के की तरह काम सकता है? क्या वो कोई राजकुमार नहीं है? मैं तुम्हें बताता हूँ कि एक राजकुमार अपने राज्य की रक्षा कैसे करता है। दीजिए। शुक्रिया हुजूर। माफ करना, मेरी वजह से तुम्हें चोट लगी। ये कैसे हो सकता है? मुझे तो यकीन नहीं होता, मेरा झूठा चार्ल्स असल में पन्ना महल का राजकुमार है। इंतजार किस बात का है, उसका पीछा करो। मैं उसे हमेशा के लिए रास्ते से हटाना चाहता हूँ। हम आपके लिए हाजिर है हुजूर। और तेज चलो मार्सेल। मैं जानता था तुम्हारी नजर इस राज्य पर है जराल, मगर मैं तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं करने दूंगा। ये मत सोचो कि मैं हार जाऊंगा चार्ल्स, ये राज्य जरूर मेरा होगा। जब तक मेरी सांसें चल रही है, मैं तुम जैसे शैतानों से अपने राज्य को बचाता रहूंगा। तुम हमसे इतने आसानी से छुटकारा नहीं पा सकते। चलो साथियों, चलते हैं, मगर यकीन मानो हम वापस जरूर आएंगे। उन्होंने बहुत नुकसान नहीं किया चार्ल्स, और तुम्हारे माता पिता भी ठीक हैं। ये खबर सुनकर मुझे बड़ा सुकून मिला एलेक्स, तुम्हारी इस मदद का शुक्रिया। शायद मैं सपना देख रही हूँ, ये कैसे हो सकता है कि मेरा चार्ल्स असल में इस महल का राजकुमार है? पर ये तो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। सिंड्रेला, माफ करना, मुझे जाना होगा। नहीं सिंड्रेला, नहीं, रुको। वो लड़का जो आज तक मेरा सबसे करीबी दोस्त बना रहा, असल में वो झूठा चार्ल्स नहीं है, वो तो चार्ल्स है, इस राज्य का राजकुमार। मैं उसके साथ उठ बैठ नहीं सकती, हम दोनों की दुनिया अलग है, इसलिए शायद मैं उससे फिर कभी बात नहीं करूंगी। अभी अभी मुझे महसूस होने लगा था कि उसने मेरे दिल में खास जगह ले ली है। हमने साथ साथ कई अच्छे पल बिताए, उसने मुझे ढेर सारी झूठी कहानियां सुनाई, पर वो ऐसा नहीं करता तो हम दोस्त भी नहीं बनते। मुझे यकीन नहीं होता मैंने राजकुमार से इस तरह बात की, उसे इसकी आदत नहीं होगी। पर वो नाराज भी तो नहीं हुआ, वो एक सच्चा दोस्त है और हर मुसीबत में उसने मेरी मदद की है। उससे दोस्ती रखने की मुझे खुशी सबसे ज्यादा आज महसूस हो रही है। मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी चार्ल्स, अलविदा।